तो गाइस बागेश्वर धाम सरकार पर वीडियो बनाओ, व्यूज बढ़ाओ, बागेश्वर धाम सरकार पर वीडियो बनाओ, फॉलोअर्स बढ़ाओ, बागेश्वर धाम सरकार पर वीडियो बनाओ, पैसे कमाओ। सो गाइस देखिए, आज का ये वीडियो कोई धर्म रिलेटेड वीडियो होने वाला नहीं है। आज के इस वीडियो में ये एक टेक वीडियो है, फेसबुक का वो एल्गोरिदम समझाऊंगा और मैं आपको ट्रेंड के बारे में बताऊंगा किस प्रकार से बागेश्वर बालाधाम सरकार का जो ट्रेंड अभी चला हुआ उस ट्रेंड का उपयोग करके आप एक एक दिन में 10-10 हजार फॉलोअर्स तक इंक्रीज कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। इनफैक्ट जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर है इसी ट्रिक का उपयोग करके अपने वीडियोज को वायरल करते हैं, अपने वीडियोज पे व्यूज बढ़ाते हैं, लेकिन आपको ये बताता कोई नहीं है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा एल्गोरिथम समझाने वाला हूं और ये समझाने वाला हूं कि इस टॉपिक का यूज करके बागेश्वर बालाधाम सरकार के ट्रेंड का यूज करके आप अपने पेज के ऊपर, प्रोफाइल के ऊपर किस प्रकार से एक एक दिन में 10-10 हजार फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं। देखिए एक एक दिन में वीडियो वायरल हो रहा है। चलिए बिना किसी देरी के आज किस कमाल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रोसेस को अच्छे से समझ। सो गाइस जैसा कि आपको पता है कि बागेश्वर बाबा धाम सरकार के नाम से अभी एक ट्रेंड चला हुआ है, ठीक है। इस टॉपिक के ऊपर कोई भी क्रिएटर अगर वीडियो बना रहे हैं उनका वीडियो वायरल हो रहा है। तो चलिए मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा कि वीडियो कहां से लेना है, उसको किस प्रकार से एडिट करना है, कैसे पोस्ट करना है, किस प्रकार से हमको कॉपीराइट से बचना है, किस प्रकार से पोस्ट करेंगे तो मेरा वीडियो इंस्टेंट वायरल हो जाएगा। टोटल डिटेल से आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं इसका एल्गोरिदम बता देता हूं जिसका उपयोग तो सभी करते हैं लेकिन आपको बताता कोई भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए मैं इसके आपको एल्गोरिदम के बारे में समझा देता हूं। YouTube हो चाहे Facebook हो चाहे Instagram हो, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, वो एक बिहाफ पे काम करता है, वो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से काम करता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, मतलब कि आप Facebook से रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद करते हो, तो आपके मेरे टाइप के जितने भी वीडियो है टेक की वीडियो वो आपके पास ऑलरेडी YouTube सजेस्ट करेगा, Facebook सजेस्ट करेगा। मान लीजिए कि आप Facebook पे कॉमेडी देखते हो, ठीक है, तो जिस प्रकार के आप कॉमेडी देखते होगे तो और भी जितने भी कॉमेडी चैनल है वो आपके पास ऑटोमेटिक जो है Facebook सजेस्ट करेगा, ठीक है। तो जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चलिए मैं इस वीडियो में आपको Facebook के एल्गोरिदम के बारे में समझाता हूं। Facebook जो है ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर के वीडियो को बहुत ज्यादा सजेस्ट करता है जिस प्रकार के ऑडियंस देखना चाहते हैं, ठीक है। अब चलिए जैसे कि अभी एक बागेश्वर बाबाधाम सरकार के नाम से ट्रेंड चला हुआ है, उसके टॉपिक के बारे में, वो एक ट्रेंडिंग टॉपिक है। जिस प्रकार से शुरुआती में आरती छोटू के नाम से एक ट्रेंड चला था ना, उसके ऊपर जितने भी वीडियोस बना रहे थे सभी वीडियो पे मिलियंस में व्यूज आ रहे थे और कुछ लोग उसका उपयोग करके एक एक लाख फॉलोअर्स इंक्रीज किए भाई, दो दो चार चार दिन में, क्योंकि एक ही दिन में वीडियो वायरल हो गया। जब वीडियो वायरल होगा तो जाहिर सी बात है आपका फॉलोअर्स तो इंक्रीज होगा ही होगा। तो चलिए सबसे पहले एल्गोरिदम के बारे में समझिए। देखिए जैसे कि अगर भैया जिस टॉपिक के बारे में वीडियो देखने वाले काफी लोग रहेंगे, काफी ऑडियंस रहेंगे, उस पर तो वीडियो जो है ज्यादा जल्दी वायरल होगा। फॉर एग्जांपल कोई ऐसे टॉपिक पे अगर आप वीडियो बनाते हो जिसके इंटरेस्ट किसी के ऑडियंस को है ही नहीं, ठीक है। मान रहा हूं कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा, तो चलिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे कि एक शहर का जनसंख्या मान लीजिए 1 लाख लोग है, ठीक है, 1 लाख है, और उसमें से बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि 90% लोग ऐसे हैं जो कि नॉनवेज खाना पसंद कर रहे हैं और 10% लोग हैं ऐसे कि वेज खाना पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जो भी नॉनवेज का होटल रहेगा उसमें ज्यादा भीड़ रहेगा, ज्यादा लोग आएंगे। अगर कोई भेज का होटल खोलेगा तो भैया खाने वाले ही 10 लोग हैं, ठीक है, उसमें से कौन किसके पास जाएगा ये तो अता पता नहीं है ना। तो ठीक उसी प्रकार से फेसबुक का भी कहना है कि जिस टॉपिक पे ज्यादा ऑडियंस रहेंगे उसके पास जो है आपका वीडियो ज्यादा सजेस्ट करेगा, ठीक है। तो अभी जो है जितने भी मीडिया चैनल हो गए, न्यूज चैनल हो गए, रिपोर्टिंग चैनल हो गया, कॉमेडी चैनल हो गया, ट्रेन के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं, कोई भी ऐसा चैनल है या फिर कोई का नया पेज है तो क्या कर रहा है, ट्रेंडिंग के ऊपर वीडियो उठा रहा है और वीडियो चाप दे रहा है, और चाप दे रहा है तो उससे उसके वीडियो वायरल हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि ऑडियंस को उसमें इंटरेस्ट है बहुत ज्यादा। अभी ऑडियंस काफी मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि उसी टॉपिक पे वीडियो देखना पसंद कर रहे हैं और जितने भी न्यूज चैनल ये वो लनपन सभी उसके वीडियो को डाल रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि उस पर एक स्ट्रांग ऑडियंस बेस बन गया है। तो भैया उसके पास जितने भी उसी प्रकार के टाइप के वीडियो है वो फेसबुक उसके पास ऑलरेडी सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप भी उस टॉपिक पे वीडियो बनाइएगा तो उसके पास तो एक स्ट्रांग ऑडियंस बेस है और ट्रेंडिंग टॉपिक तो रहता है 10-15 दिन ही, ठीक है, लेकिन 10-15 दिन में आपको इतना व्यूज देगा कि उतना आपके वीडियोस पे लाइफ टाइम व्यूज नहीं आएंगे। यहां से मैंने अपने मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद सबसे पहले मैं यहां से अगर फेसबुक खोलता हूं, फेसबुक खोलने के बाद अगर वीडियोस वाले सेक्शन में जाता हूं तो देखिए जय बागेश्वर धाम साहब बाबा सरकार एक दिन में ये वीडियो डाले हैं, ठीक है, और इनका जनता लाइव है, ठीक है, और ये इनका कोई ऑफिशियल पेज नहीं है, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि बागेश्वर धाम सरकार से कोई सा वीडियो उठाया, उसको अच्छे से एडिट
किया 5-7 मिनट के और इन्होंने अपने जो है पेज पे चढ़ा दिया है, ठीक है, क्योंकि देखिए सी न्यूड फ्रॉम मतलब कॉपीराइट क्लेम मिला हुआ है और गो बागेश्वर धाम सरकार, मतलब इससे आपका अर्निंग नहीं होगा, लेकिन भैया आपके जितने भी वीडियोस वायरल होंगे ये तो आपके पेज पे ही वायरल होंगे तो फॉलोअर तो आपका ही बढ़ेगा, ठीक है। और ऐसे भी जितने भी दिखाइए, देखिए ये भी टेक्निकल गुरु जी भी आ गए हैं, ठीक है, टेक्निकल गुरु जी भी आ गए हैं बताने के लिए, ठीक है, और इन्होंने एक दिन पहले वीडियो डाला 1,56,000 व्यूज, ठीक है, जितने भी भगाइएगा, देखिए ये इनको आप जानते होंगे मनीष कश्यप, ठीक है, इन्होंने भी डाला है, ठीक है, बागेश्वर बाबा धाम सरकार पे जितने भी वीडियो डाल रहे हैं ये भी डाल रहे हैं, और देखिए करंट टाइम व्यूज जो है 3700 आदमी अभी देख रहे हैं, ठीक है, और ये 5 मिनट पहले ही वीडियो डाला है, ठीक है, और इनका वीडियो देखिए धकाक से वायरल होने लगा। और मैं नीचे स्लाइड करता हूं तो देखिए ये शॉर्ट वीडियो है, ठीक है, 1.1 के शेयर है, 317 के व्यूज आ गए हैं और 1.1 के शेयर है, ठीक है। और देखिए और मैं अगर नीचे स्लाइड करता हूं तो देखिए आज तक देखिए कैसे खोला पोल, देखिए कितना देर हुआ है, केवल 17 घंटा में 1.7 मिलियन व्यूज है। अगर मैं और नीचे स्लाइड करता हूं तो देखिए ये वीडियो भी उन्हीं पे रिलेटेड है। अगर मैं और नीचे जाता हूं देखिए ये अंजना कश्यप है, इनको आप लोग जानते होंगे आज तक के हैं, ठीक है, तो कोई SS प्रिंस करके ये वीडियो डाला है, देखिए 35,000 जो है लाइक गए हैं सिर्फ, ठीक है। अगर मैं इनका दिखा देता हूं चैनल खोल के, देखिए इन्होंने इंस्टाग्राम पे डाला और ऑटो रिकमेंडेशन के तहत फेसबुक पे डाला और देखिए इनका वीडियो वायरल है, 36,000 लाइक हो गए तुरंत। अगर मैं और नीचे जाता हूं देखिए माइंड रीड, मतलब अभी बाबा से रिलेटेड और बागेश्वर धाम से रिलेटेड कोई भी अगर अभी आप टॉपिक लिखते हैं ना, टाइटल लिखते हैं ना, तो आपका वीडियो कंफर्म वायरल होगा, ये मैं लिख के दे देता हूं, क्योंकि इस पे इतना ज्यादा स्ट्रांग ऑडियंस बना हुआ है ना, बिलियन लोग ऐसे हैं भाई, बिलियन लोग जो कि इसी टॉपिक पे रिगार्डिंग वीडियो देखना पसंद कर रहे हैं। मतलब कि आप कैसा भी वीडियो बनाइएगा अगर आपके वीडियो में जान नहीं भी रहेगा ना तो उसको ऑटोमेटिक फेसबुक सजेस्ट करेगा, क्योंकि ऑडियंस उस पर बहुत ज्यादा ऑडियंस बेस बना हुआ है, ठीक है, तो आप कैसा भी वीडियो बनाइएगा तो लोगों के पास सजेस्ट करेगा क्योंकि वो उसी टाइप का कंटेंट का वीडियो देखना पसंद कर रहे हैं। तो भैया अब कहां सोए हो, मैंने तो इतने अच्छे से आपको समझा दिया, ठीक है, तो चलिए अब हमको करना क्या है? तो आप बोलोगे भैया आपने बहुत पका दिया, अब जल्दी से बताओ कि हमको वीडियो कैसे बनाना है और कैसे एडिट करना है, कैसे पोस्ट करना है, ठीक है। अब देखिए और मैं यहां पे अब देखिए समझाता हूं कि आपको वीडियो कैसे बनाना है, ठीक है। एक हो जाएंगे जो अपने पेज पे केवल फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, और दूसरा हो गया ओरिजिनल क्रिएटर। तो ओरिजिनल क्रिएटर जितने भी हैं, ठीक है, ओरिजिनल क्रिएटर जितने भी हैं उनको क्या करना है, उनके बारे में कुछ बताना है, ठीक है, उनका एक वीडियो लेना, छोटा सा क्लिप लेना, उस पर अच्छे से एक्सपेरिमेंट करना है, लोग न्यूज चैनल वाले क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, उनके वीडियोज को देखना है, उनके वीडियोज को सुनना है, और फिर क्या करना, उनके वीडियोज क्लिप को यूज कर करके उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करके उसके ऊपर जो है आपको भाषण देना है और उसके ऊपर आपको वीडियो बनाना है कि इनके बातों में कहां पे सच्चाई है, कहां पे ये झूठ बोल रहे हैं, कौन सा चमत्कार है, कौन सा अंधविश्वास है, ठीक है। आपको इस भी प्रकार से जैसा भी आपका अगर इच्छा रहे और जिस प्रकार से आपका पेज है उस प्रकार से आप बना लीजिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि भैया जिनका जिनका भी ओरिजिनल क्रिएटर है और जिनका जिनका भी, ठीक है, इस टॉपिक से रिगार्डिंग पेज नहीं है, आपको क्या करना है, एक नया पेज बना लेना है या फिर आपको वैसे पेज को सिलेक्ट करना है जो कि पेज आपके पास ऑलरेडी है और वो पेज आपका डेड हो चुका है, ठीक है, क्योंकि मैं यहां पे आपको एक दिन में 10,000 फॉलोअर्स बढ़ाने का ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है, और इस ट्रिक 100% वर्क करेगा, मैं इस बात को लिख के दे देता हूं और आपका चैनल भी मोनेटाइज होगा और इसमें कोई स्ट्राइक वगैरह नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, कि आपको ये चीज नया पेज पे ट्राई करना है, जो पेज आपका ऑलरेडी ओरिजिनल वीडियो से चल रहा है उस पर ट्राई मत कीजिएगा, या आपको इस पे नया पेज पे ट्राई कीजिएगा, या फिर आपके पास कोई ऐसा पेज है जिस पर आप वीडियो डाल के थक गए हैं, आपका वीडियो वायरल नहीं हो रहा है, ठीक है, या फिर आप उसी प्रकार के पेज पे ट्राई कीजिएगा जिनका पेज अच्छे से चल रहा है, जो अच्छे खासे अर्निंग कर रहे हैं, वो इस ट्रिक को ट्राई नहीं कीजिएगा, वो इस ट्रिक को नया पेज पे ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो यहां से आपको क्या करना, आपको अपना YouTube खोलना है, YouTube खोलने के बाद आपको सर्च बार में जाके लिखना है बागेश्वर धाम, ठीक है, लाइव। जैसे ही बागेश्वर धाम लाइव लिख के सर्च कीजिएगा तो यहां से आपको क्या करना है कि बागेश्वर धाम का जो भी ओरिजिनल चैनल है, ठीक है, बागेश्वर धाम लाइव का, वो आपको यहां से खोल लेना है। जैसे कि देखिए 37,00,000 सब्सक्राइबर है, ये इनका ओरिजिनल चैनल। क्या करना, इनके चैनल पे जाने के बाद आपको क्या करना है, इनके वीडियोज को अच्छे से वॉच करना है, ठीक है। जो वीडियो आपको अच्छा लगे, जो वीडियो में लगे नहीं इस पे और स्ट्रांग ऑडियंस बेस है, आपको क्या करना है कि उस वीडियो के यहां से शेयर पे क्लिक करना है, यहां से लिंक को कॉपी कर लेना है। लिंक को कॉपी करने के बाद आपको गूगल क्रोम पे जाना है, गूगल क्रोम पे जाकर सर्च करना है डाउनलोड यूट्यूब वीडियो Wi-Fi। जैसे ही आप लिखकर सर्च कीजिएगा डाउनलोड यूट्यूब वीडियो Wi-Fi, तो यहां से आपके सामने कुछ इस प्रकार का वेबसाइट खुल के आ जाएगा। यहां से क्या कीजिएगा कि उसके वीडियोज के लिंक को जो है यहां पे आप पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है,
यहां से जाना है, पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद यहां से देखिए ये वीडियो आपके सामने आ जाएगा। गेट लिंक पे क्लिक करके इनके वीडियोज को आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। इनके वीडियोज को डाउनलोड करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको अपना कैमरा खोलना है। कैमरा खोलने के बाद यहां से आपको वीडियो रिकॉर्डिंग पे जाना है और यहां से फ्रंट कैमरा ऑन करके आपको क्या करना है कि कुछ भी प्रकार का इसी प्रकार के आपको रिएक्शन दे देना है, ठीक है। आपको अपना आवाज नहीं चलाना, आपको अपना रिएक्शन दे देना और कुछ इस प्रकार से आपको 10 मिनट या 5 मिनट या 7 मिनट जिस भी टॉपिक से आपका वीडियो रहे, जितना ड्यूरेशन में आपका वीडियो रहे, ठीक उसी प्रकार से आपको रिकॉर्ड कर लेना है। रिकॉर्ड करने के बाद अब आपको इसको एडिट कैसे करना है वो मैं आपको अच्छे से सिखा देता हूं, ठीक है। एडिटिंग के पार्ट को अच्छे से समझिएगा, नहीं तो आपके वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा, ठीक है। तो एडिट करने के लिए आपके मोबाइल में VN एडिट ऐप या फिर काइन मास्टर होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास काइन मास्टर है, तो चलिए मैं काइन मास्टर से एडिट करके दिखा देता हूं। और देखिए मैंने एक को ऑलरेडी एडिट करके पोस्ट भी किया है, ठीक है, जिसपे मेरे केवल एक दिन में 1 लाख व्यूज आए थे और उसपे 3700 फॉलोअर्स इंक्रीज हुए थे। अगर मैं उसपे 2-4 वीडियो और डालूंगा ना तो मेरा पे तो 2-3 दिन में मोनेटाइजेशन का टोटल क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा भाई, तो फिर देर किस बात का। अगर देखिए इसमें आपको कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह नहीं आएगा, ठीक है, इसमें केवल और केवल ऑनरशिप का क्लेम आएगा, ठीक है। ऑनरशिप का क्लेम का मतलब होता है आपके ये रिवेन्यू शेयर के लिए आते हैं, ठीक है। तो भैया हमको रिवेन्यू से क्या मतलब, जब मेरा पेज मोनेटाइज रहेगा तभी तो मेरे पास रिवेन्यू आएगा ना। तो भैया हमको क्या करना है, अभी तो हमको पेज का फॉलोअर्स बढ़ा के, जो हमने फॉलोअर्स को बढ़ा के मोनेटाइज करना है, ठीक है। तो यहां से आपको क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है, यहां से 16:9 वाला रेशियो सिलेक्ट करके क्रिएट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्रिएट पे क्लिक कीजिएगा तो ध्यान दीजिएगा, जो वीडियो आपका वीडियो तभी वायरल होगा जो सबसे इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा ना, जो सबसे धाकड़ वीडियो रहेगा ना, आपको इसी वीडियो को चूज करना है। यहां से क्या करना है, उस वीडियो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहां से अब आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद अब क्या करना है कि यहां से आपको जो पार्ट, जैसे ये मान लीजिए 7 मिनट 40 सेकंड का वीडियो है, तो आपको क्या करना है कि जो पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे इंटरेस्टिंग है वहां से उस पार्ट को बीच से काट के निकाल लेना है। जैसे कि मान लीजिए मेरा यहां से वीडियो स्टार्ट हो रहा है, तो मैं इधर वाला पार्ट को काट लेता हूं और आगे पीछे मतलब कुछ पार्ट को काट लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं पीछे से भी कुछ पार्ट को काट लेता हूं। पीछे से काटने के बाद, ठीक है, कुछ पार्ट को यहां से आपको बीच से भी जो है हटा देना है, ठीक है। तो यहां से मैं जाता हूं, ट्रिम पे जाता हूं, स्प्लिट हेड एयर पे करता हूं, फिर से बैक जाता हूं, फिर से यहां पे कैंची पे जाता हूं, फिर स्प्लिट पे क्लिक करता हूं और इस पार्ट को मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक है। डिलीट करने के बाद अब मेरा काम क्या रहेगा कि यहां से मैं जाता हूं, ठीक है, जूम करता हूं। जूम करने के बाद यहां से मैं इस पे जाता हूं और क्या करता हूं कि बाबा को एक साइड कर देता हूं। एक साइड करने के बाद फिर से मैं यहां पे बैक जाता हूं। बैक जाने पे लेयर पे क्लिक करता हूं, वीडियो पे जाता हूं और जो वीडियो मैंने कैमरा से रिकॉर्ड किया है, ठीक है, जितना टाइम का ये वीडियो रहेगा, ठीक है, उतना टाइम का हमको अगला कैमरा से रिकॉर्डिंग करके सिर्फ रिएक्शन देना है, ठीक है। क्योंकि एक मोबाइल में इनके भाषण को चला दीजिएगा, दूसरा मोबाइल में रिएक्शन दीजिएगा या कुछ भी कीजिएगा, अगर आपको नहीं कुछ समझ में आएगा तो केवल और केवल फोटो लगा दीजिएगा, ठीक है, किसी का भी फोटो लगा दीजिएगा, अपना फोटो लगा दीजिएगा, तो आपको जो है चैनल मोनेटाइज करने में बहुत आसानी होगा, ठीक है। तो यहां से आपको क्या करना, अब इस वीडियो को ऐड करना। ऐड करने के बाद ये मेरा वीडियो जो है टाइमिंग के लिए नहीं हो पा रहा है, तो मैं यहां से क्या करता हूं, स्पीड पे जाके इसके स्पीड को कम कर देता हूं। स्पीड को कम करने के बाद इसको जो है मैं एक साइड एडजस्ट कर देता हूं, ठीक है। ये हो गया एक साइड एडजस्ट, ठीक है, अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर देता हूं। तो ये हो गया मेरा एडजस्ट हो गया। एडजस्ट करने के बाद मैं इस पे जाता हूं, इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर देता हूं, ठीक है। यहां से जूम पे जाता हूं, ठीक है, यहां से इधर से, और मैं इस पे जाके इसको और थोड़ा सा जूम करता हूं, ठीक। और ये मेरा हो गया एडजस्ट। इसको एडजस्ट करने के बाद अब देखिए मोर ऑफ द इंपॉर्टेंट, आपको क्या करना है, फिर से इस पे क्लिक करना है, स्पीड पे जाना है और इसके स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा देना है। स्पीड को बढ़ाने के बाद आपको नीचे जाना है, कीप टू पिंच पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही कीप टू पिंच पे क्लिक कीजिएगा यहां से देखिए, और अपने जो है वीडियोज का वगैरह को लाइट वाइट को भी यहां से एडजस्ट पे क्लिक करके इसके लाइट वगैरह को आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसका लाइट को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, तो थोड़ा सा कम कर लेता हूं। यहां से आप अपने वीडियोज को एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं। एडजस्ट करने के बाद इसको अच्छे से एडिट कर लीजिएगा। एडिट करने के बाद देखिए यहां से अच्छे से एडिट हो गया, और जितना दूर आपका वीडियो रहेगा उतना दूर आपको कट कर लीजिएगा। कट करने के बाद, ठीक है, यहां से कट करने के बाद यहां से आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है और जो भी आपका रेशियो में रहेगा, ठीक है, वहां से इस रेशियो को आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। सेव करने के बाद देखिए
अच्छे से वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना। एक्सपोर्ट करने के बाद आपको अच्छा सा एक टाइटल लिखना है जिसमें बागेश्वर बालाधाम सरकार, बागेश्वर लाइव दरबार, बागेश्वर धाम सरकार, बागेश्वर टाइप का आपको 5 हैशटैग यूज करना है और अच्छे से आपको हिंदी में टाइटल लिख के आपको सिंपली पोस्ट कर देना है। जैसे ही पोस्ट कीजिएगा आपको एक दिन में 3 वीडियो ऐसे करके अपलोड करना है। भैया मैं आपको बताता हूं ना, आपका कोई ना कोई वीडियो वायरल हो जाएगा और आपका जो वीडियो वायरल होगा आपको एक दिन में 10,000 फॉलोअर दे के जाएगा और मोनेटाइजेशन का भी क्राइटेरिया फुलफिल कर देगा। और आपका फेस का वीडियो है तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, आपका ना ही पेज मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम होगा ना ही कोई भी मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम होगा। अगर कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक आता है तो उसका उपयोग करके आप एक-एक दिन में भैया एक-एक दिन में 10,000 फॉलोअर्स इंक्रीज कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।